हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कृषि। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर जेआर प्लांट साइंस 2023 का जो एग्जाम हुआ है उसमें अलग अलग जो स्टूडेंट का क्या क्या स्कोर रहा है और उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेड रैंक हो सकती है। इस रैंक का जो प्रडिक्शन किया गया है वो स्टूडेंट ने अपने मार्क्स फिल किए हैं खुद से, तो इसमें थोड़ा बहुत एरर आने के चांसेस हैं। बाकी आप इसमें जो रैंक है वो मैक्सिमम चांसेस हैं कि उससे सिमिलरिटीज आपकी जनरली देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, इसमें बेसिकली चार इंफॉर्मेशन स्टूडेंट से कलेक्ट की गई थी। पर्टिकुलर उनका नाम, कौन सी यूनिवर्सिटी से वो बिलोंग करते हैं, क्या उनका स्कोर रहा है और क्या उनके प्रिपरेशन में कृषि का कोई योगदान रहा है या नहीं रहा। तो फर्स्ट जो स्टूडेंट है वो है अनुराग अवस्थी, जो कि JNKU जबलपुर से बिलोंग करते हैं और इनका जो स्कोर है 406 मार्क्स हैं और इन्होंने जो कृषि का टारगेट बैच 2022 है वो ज्वाइन किया था। देन महेश वी शारावाद है, इनके 400 मार्क्स हैं। देन प्रोदिता दास हैं, VCKV से, इनके भी 400 मार्क्स हैं। देन फरहान SK हैं, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 390। AR मनोज जो हैं आपके 387। देन भार रानी मुथुराज जो हैं आपके MPKV 386 मार्क्स हैं। देन मौसम यादव JNKV भी 380। सौविक घोष विधन चंद्र कृषि विश्वविद्यालय 377 मार्क्स हैं। वैष्णवी रानी जो है आपकी 374 मार्क्स हैं वर्षा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। देन नेहाला इनके हैं केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से 371 मार्क्स, राम्या एन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस से ये हैं। और देन 369 मार्क्स इनके यहाँ पे देखने को मिला है। देन पूजा बेलवाल जो है 366 मार्क्स हैं, ऋषभ जो है 364 मार्क्स हैं एंड बिना अलाब जो है उनके 360 मार्क्स हैं। देन नंदिनी के भी 360 मार्क्स हैं और जो अखिल हैं उनके 350 मार्क्स हैं। ये हिसार हरियाणा से इन्होंने अपनी तैयारी की। तो ये टॉप स्कोरर्स हैं जनरली, इनके 350 प्लस मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पिछले बार के अगर अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें तो इस पर्टिकुलर रेंज में इतने ज्यादा स्टूडेंट नहीं है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। बाकी कुछ स्टूडेंट ने इसको पर्टिकुलरली फिल भी नहीं किया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो 350 पे अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी आपको 18 रैंक देखने को मिल रही है। तो मैक्स टू मैक्स अगर ये रैंक हम वेरी भी करते हैं तो ये 30-40 से तक ये रैंक जहाँ तक है आपको जाती हुई देखने को मिलेगी, या 50 से ज्यादा ये रैंक नहीं जाएगी। तो अगर किसी स्टूडेंट के 350 मार्क्स हैं तो उसकी जो रैंक है वो नियरली आपके अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो होगी करीब 40-50 के समथिंग। तो ये जो रैंक है वो एटलीस्ट आप इसके बेसिस पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो जैसे इसके बाद जो मार्क्स हैं वो आयुषी के हैं 346। तो अगर आपका जो स्कोर है वो 350 से प्लस है तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी और जो मेजर सब्जेक्ट है वो इजीली मिल जाएंगे। 320 से नीचे जिनका स्कोर है उनका डिपेंड करता है कि वो किस बेसिस पे काउंसलिंग करवाते हैं, क्या उनकी चॉइस फिलिंग रहेगी, तो उसके बेसिस पे उनको काफ़ी अच्छे यूनिवर्सिटी वहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो अगर चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग अच्छे से करते हैं तो कम मार्क्स पे भी जो कुछ स्टूडेंट का ज़्यादा स्कोर होता है उनसे भी अच्छी यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको यही है कि अभी काउंसलिंग पे ज़्यादा फोकस करें। देन फिर ये जो मार्क्स हैं आपके इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने मार्क्स पे कौन सी रैंक आपको देखने को मिल रही है। तो 333 पे अगर हम यहाँ पे देखें तो करीब इस पर्टिकुलर लिस्ट में 40 रैंक आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ये जो पूरी लिस्ट है वो करीब 250 स्टूडेंट का जो डाटा है उस पे बेसिस पे बनी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 320 मार्क्स करीब 50 के समथिंग आ रहे हैं यहाँ पे। तो जो अगर आपकी रैंक हम यहाँ पे देखते हैं तो 300 मार्क्स अगर किसी के आ रहे हैं यहाँ पे, दीक्षा जो है इनका 85 रैंक इसमें शो हो रहा है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें इनकी जो फाइनल रैंक बनेगी वो 85 से ज़्यादा ही आपको जनरली देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें सारे स्टूडेंट ने ये रैंक यहाँ पे फिल नहीं की है। तो इस तरीके से सारे स्टूडेंट का ये जो स्कोर और उनके साथ साथ जो एक्सपेक्टेड रैंक है वो इसमें मेंशन की हुई है। ये पर्टिकुलर जो स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेज मिले हैं उसी के बेसिस पे हमने ये जारी किया है। इसमें किसी भी टाइप का करेक्शन हमारे द्वारा नहीं किया गया है, तो इसमें कहीं पे आपको थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट बाई चांस अपनी तरफ से गलत फिल कर देता है तो वो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। मेजर कंडीशन में अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो सही इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट के नंबर रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के जो स्कोर है वो 300 से 200 के बीच में भी काफ़ी स्टूडेंट्स का
स्कोर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये स्कोर यहाँ पे रहे हैं इस बार के, और इसका जो गूगल फॉर्म है वो अभी भी एक्टिव है, तो आप जितने भी स्टूडेंट ने उसको अभी तक फिल नहीं किया वो अभी फिल कर दें, क्योंकि ये लिस्ट हम आगे भी आपको यूज में आती रहेगी, क्योंकि अगले साल जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो ये जो पूरा का पूरा आपका प्रिडिक्टेड है वो करीब 255 और 256 स्टूडेंट का इसमें रिस्पॉन्सेस हमारे लिए मिले हैं, जिसके बेसिस पे ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे तैयार हुई, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे आपके टॉप स्कोरर्स हैं, इन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस फॉर योर काउंसलिंग। थैंक यू।